हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट टॉपिक जो है डिवीज़न ऑफ पॉलीनोमियल। इस वीडियो में हम पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करने के दो तरीके देखेंगे। फर्स्ट तरीका है हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड और दूसरा तरीका होगा हमारा फैक्टर थ्योरम। हम इन दो तरीक़ों से, इन दो मेथड्स के हेल्प से आज हम पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करना देखेंगे। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बता रही हूँ, फिर वही सेम क्वेश्चंस मैं आपको फैक्टर थ्योरम से बताऊँगी, तो आपको दोनों मेथड्स में डिफरेंस और दोनों मेथड्स का मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। ये हमको दो पॉलीनोमियल्स दिए गए हैं, 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1 एंड दूसरा पॉलीनोमियल है x प्लस 1। इसके अंदर ये जो पॉलीनोमियल है ये हमारा डिविडेंड है और जो दूसरा पॉलीनोमियल है ये हमारा डिवीज़र है। अब हम इनको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या कहता है, x प्लस 1 जैसे आप नॉर्मल नंबर्स की डिवीज़न करते हैं हम उसी तरीके से करेंगे, बस इसमें कुछ मेथड्स और स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपने यहाँ पर x प्लस 1 को डिवीज़र की प्लेस पे लिख लिया और 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1 को आपने डिविडेंड की जगह पे लिख लिया। अब आपको इसको डिवाइड कैसे करना है, अब आप इसका क्वोशेंट कैसे पता करेंगे कि इसका क्वोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। सबसे पहले अब आप यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे कि जिसको मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3x³ आ जाए। हम यहाँ ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको डिवीज़र की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने पर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आ रही हो। तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x³ आ जाए, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3x³ आ जाए, 3x² से, 3x² से। अब मैंने x को 3x² से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3x³ प्लस प्लस और प्लस प्लस। अब 1 को भी हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3 3x² अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि यहाँ पर हमें क्या नंबर लिखना है, कि कैसे पता चलेगा कि इसकी किस नंबर को x से मल्टीप्लाई करने पर इसकी फर्स्ट टर्म आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये फर्स्ट टर्म है इसको आप इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 3x³ अपॉन में x, तो आप देखेंगे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x², तो आप वही नंबर को यहाँ पर क्वोशेंट की जगह पर लिख दीजिए। अब जो साइन है आपको वही साइन का वो कर रखना पड़ेगा ताकि वो सेम आ सके। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या कहता है कि आप जो इसमें साइंस आए हैं आप इनको उल्टा कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस। अब आप इसे सॉल्व करिए, 3x³ प्लस का और एक ये 3x³ माइनस का। अब इसका ऊपर वाला साइन नहीं माना जाएगा, अब इसका नीचे वाला साइन माना जाएगा जो हमने चेंज करके लिखा है। अभी प्लस और माइनस के हैं तो कट जाएंगे, 4x² माइनस 3x², तो क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ x², तो यहाँ पर क्या बचा, x². अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म उतारेंगे, प्लस 2x प्लस 1। आप चाहे जितने भी पीछे टर्म्स हैं वो सारी उतार लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमको यहाँ पर x के साथ वापस ऐसा यहाँ नंबर लिखना है जिसको x के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें x² मिल रहा हो। अब आपको कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा डिवाइड करके देख लीजिए, x² अपॉन में x, अभी कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, x लिख दूँ। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। जो आप यहाँ नंबर लिख रहे हैं वो नंबर डिवीज़र के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन की जगह पर टर्म ऐसी लिखनी है जो डिवीज़र की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होने पर यहाँ के फर्स्ट टर्म दे। तो अब यहाँ पर हम वापस क्या करेंगे, साइन चेंज। अब अगर यहाँ माइनस के होते ये तो यहाँ प्लस आता, अब यहाँ प्लस के हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, x² प्लस का और x² माइनस का कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 2x माइनस x, तो क्या बचा हमारे पास, x और प्लस 1। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ऐसा नंबर जिसको x से मल्टीप्लाई करने पर x आ रहा हो, तो x को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करा तो प्लस 1, वापस साइन चेंज। तो आप देखेंगे प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास अब रिमाइंडर क्या बचा, 0 रिमाइंडर बचा।
इस तरीके से करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन में कोई टर्म लिखें तो वो ऐसी टर्म हो जो डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई होने पर डिविडेंड की हर स्टेप में फर्स्ट टर्म देती हुई चले। अगर वो फर्स्ट टर्म दे रही है तो पीछे कोई भी टर्म बने उसकी नो प्रॉब्लम, बट फर्स्ट टर्म सेम बननी चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको इसका बताती हूँ, जैसे कि सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन बाय फाइव प्लस टू एक्स। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको डिवीज़र या डिविडेंड आपको जो भी दिया गया है सबको, सबसे पहले आपको उसको डिक्रीजिंग डिग्री में सेट करना है, मतलब जिसकी पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ डिविडेंड के अंदर तो डिग्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है कि 3, 2, 1, 0, मतलब आपको x की पावर देखनी है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, मतलब डिविडेंड हमारा सही ऑर्डर में सेट है। लेकिन अगर आप डिविज़र में देखेंगे तो यहाँ पर पहले क्या दे रखिए, x की पावर 0 और फिर x की पावर 1, तो ये सही से सेट नहीं है। इसका मतलब डिवीज़र आपको सेट करना पड़ेगा डिक्रीजिंग डिग्री के अंदर, तो क्या बनेगा 2x प्लस 5, मतलब पहले x की पावर 1 फिर x की पावर 0 वाला नंबर। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि डिवीज़र और डिविडेंड दोनों ही डिक्रीजिंग डिग्री के अंदर सेट हो। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, हमने यहाँ क्या लिया 2x प्लस 5 डिवीज़र की प्लेस पर, डिविडेंड की प्लेस पर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन माइनस वन। अब हमें इसको डिवाइड करना है तो 2x और यहाँ एक्स क्यूब। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे यहाँ क्वेश्चन की प्लेस पर ऐसा नंबर लिखना है जिसको 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए। अब कन्फ्यूज़न है कि अरे मुझे तो नहीं पता मैं यहाँ क्या लिखूँ, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को हम डिवाइड कर देंगे 2x से। ये कट कर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, मतलब क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। फ्रैक्शन में जा रही है नो प्रॉब्लम, आपको जैसे जा रही है इसे चलने दीजिए, बस ये ध्यान रखते हुए चलिए कि हमेशा फर्स्ट टर्म सेम बननी चाहिए। अब मैं 2x को एक्स स्क्वेयर बाई 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स क्यूब आ जाएगा वापस। आप चाहें आप रफ में चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स और एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब। अब प्लस प्लस यहाँ भी प्लस, अब 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, 5x स्क्वेयर अपॉन में 2 बनेगा। अब सेकंड स्टेप, इसके साइंस चेंज करेंगे, साइन उल्टे करेंगे, प्लस का है तो यहाँ माइनस का, ये भी प्लस का है तो यहाँ माइनस का। अब एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का तो कैंसिल आउट। मैं हमेशा बोल रही हूँ कि यहाँ पर जब हम साइन चेंज कर देंगे तो जो नीचे वाले नंबर्स है इसका हम यहाँ पर जो साइन है वो नहीं मानेंगे, जो नीचे साइन हमने चेंज करके लिखे हैं वो कंसिडर करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3x² माइनस 5x² बाई 2। अब इसको सॉल्व करके माइनस करके जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, तो सॉल्व करके क्या आएगा, 6x² 5x² बाई 2, दैट इज़ x² अपॉन में 2। अब हम पीछे वाले नंबर्स नीचे उतार लेंगे, 3x माइनस 1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जिसको 2x से मल्टीप्लाई करने पर x² अपॉन 2 आ रहा हो। मेरे को वापस कन्फ्यूज़न है कि यहाँ क्या लिखूँ, हम वापस क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे, x² अपॉन 2 डिवाइड बाय 2x, तो क्या बन जाएगा, x² अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2x, एक्स से एक्स कट गया एक, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स अपॉन 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स अपॉन 4। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो x² बाई 2 आ गया। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी 5 को x प्लस 4 से, तो 5x अपॉन में 4। अब साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट। अब ये क्या बचा, 3x माइनस 5x अपॉन 4। अब हम इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे तो 12x माइनस 5x अपॉन 4 एंड दिस इज 7x अपॉन में 4, तो यहाँ क्या आएगा, 7x अपॉन 4 माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे वापस यहाँ ऐसा नंबर चाहिए क्वेश्चन में जिसको 2x से मल्टीप्लाई करने पर सेम डिजिट आ रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड करके चेक करेंगे, 7x अपॉन 4 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 2x से करेंगे, तो 7x अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल आउट, तो क्या बना ये, 7 अपॉन 8, 7 और 4 टू ज़ा 8, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 7 अपॉन 8। अब मैं इसको 2x को 7 बाई 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 7x बाई 4,
और 5 को 7 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का 35/8। वापस साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट, और अब यहाँ पर -1 -35/8, ये हमारा क्या आया, रिमाइंडर आया। अब हमसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके क्या बनेगा, -8 -35/8, तो ये हमारा बन गया -43/8। ये क्या आया हमारा, रिमाइंडर। आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड करते वक्त आपको मेनली दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला कि आप यहाँ क्वेश्चन के टर्म सही लिखें कि ताकि फर्स्ट टर्म हमेशा सेम बन रही हो। दूसरी चीज़ कि हमेशा मल्टीप्लाई कर लिखने के बाद साइन चेंज करना ना भूलें। बेसिकली हम यहाँ साइन चेंज क्यों करते हैं और यहाँ हम टर्म ऐसी ही क्यों लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म हो, ताकि वो कट जाए। बेसिकली हमें काम क्या करना है कि हमें फर्स्ट टर्म को काटना है, इसलिए हम यहाँ ऐसा नंबर लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म आ रही हो। और साइन चेंज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि अपोजिट साइंस वाले कट जाते हैं। ये था हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि अरे जो मैंने क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत, तो हम इसको चेक कर सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम हमें कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि जो आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड किया है वो आपका सही है या गलत, तो आप रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू उसे चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ क्या काम करना है, जो आपने डिवाइड कर दिया इसके अंदर, अब आपका ये डिवीज़र है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर। आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पुट करनी है। अब डिविडेंड क्या था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो डिविडेंड हमारे पास क्या है, डिविडेंड है हमारा 3x³ + 4x² + 2x + 1। अब डिवीज़र क्या है हमारे पास, x प्लस 1 है, और कोशेंट हमारा क्या आया था, 3x² + x + 1 मल्टीप्लाई 3x² + x + 1। ये मल्टीप्लाई में है दोनों, इसके साथ प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे यहाँ क्या आया, 0। तो रिमाइंडर 0। अगर जब हम RHS को सॉल्व करेंगे, मतलब राइट हैंड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर अगर हमारा डिविडेंड ही आ गया वापस, मतलब दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, इट मींस कि जो आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपने जो डिवाइड किया है, सम सॉल्व किया है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपकी दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आती, मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स को फर्स्ट टर्म से, फिर इसको इससे, एक्स को इससे, मतलब फर्स्ट टर्म को दूसरे ब्रैकेट की हर टर्म से। तो x को 3x³ करा तो 3x³, इसको x और x, x² x और 1 प्लस x। अब 1 को 3 से इससे करेंगे तो 3x² 1 × x 1 × 1 1। अब हमें इसको प्लस, तो पीछे 0 है उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसे प्लस करूँगी तो 3x³ प्लस x² वालों को प्लस कर देंगे, 4x² x और x वालों को प्लस कर देंगे, दैट इज़ 2x प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये आया वापस डिविडेंड ही हमें मिल गया, तो मतलब जो हमने सम किया है पीछे वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। हम देखते हैं इसी लॉन्ग डिवीज़न मेथड का एक और क्वेश्चन, जो आपके NCERT का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके NCERT बुक का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवीज़र। अब सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको डिक्रीजिंग डिग्री में सेट करना है। इसके अंदर आप देखेंगे डिवीज़र के अंदर तो ये डिग्री में सेट नहीं है, तो इसको हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3x + 7, x^1 देन x^0, डिक्रीजिंग डिग्री, सबसे पहले बड़ी फिर उससे छोटी उससे छोटी। अब आप डिविडेंड में आएंगे तो आप डिविडेंड में देखेंगे कि यहाँ पर x³ है, x³ के बाद तो क्या आना चाहिए, x², पर यहाँ x² की टर्म ही नहीं है, ओके तो हम इसे ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे पास उसके बाद क्या है, x³, ठीक है, फिर हमारे पास x³ होनी चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है, तो हम उसे ड्रॉप कर देंगे। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 3x + 7 डिवाइड बाय 3x³ + 7x + 7x। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हम ऐसा टर्म लिखें जिसको 3x से मल्टीप्लाई करने पर 3x³ आ रहा हो। तो हम यहाँ रफ में चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके 3x³ / 3x, तो 3 से 3 कट गया, x से ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, x² तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x²
तो 3x को अब हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो 3x क्यूब आ गया। अब हम 7 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7x स्क्वायर। देन अगेन साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर वाला जो टर्म था वो डिग्री 1 में है और जो नीचे वाली जो टर्म आई है मल्टीप्लाई करके ये डिग्री 2 में आई है। तो अलग अलग डिग्री के नंबर्स, अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल्स को कभी ऐड हो नहीं सकते कि हम 7x के अंदर में 7x स्क्वायर को ऐड कर दूं या माइनस कर दूं तो 14x स्क्वायर बन जाएगा या 14x बन जाएगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये अलग डिग्री का है और ये अलग डिग्री का है। हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग ही लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो सबसे पहले अब एक्स स्क्वायर बढ़ी है तो माइनस 7x स्क्वायर। अब हम इसका नीचे वाला साइन कंसिडर करेंगे और इसके बाद क्या होता है पावर 1 वाला, तो वो क्या है हमारे पास 7x। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बन गई, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई माइनस 7x स्क्वायर। तो मुझे क्वेश्चन में दोबारा अब यहाँ ऐसी टर्म लिखनी है जिसको 3x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा हो माइनस 7x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, माइनस 7x स्क्वायर अपॉन में 3x, तो x से x कट गया तो क्या बचा माइनस 7 अपॉन 3x। तो अब यहाँ क्या आएगा माइनस 7 अपॉन 3x। अब 3x को इससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो माइनस 7x स्क्वायर, और प्लस 7 को माइनस 7 अपॉन 3x से करूँगी तो माइनस 7 जो 49 अपॉन 3x। अब साइन चेंज प्लस प्लस, अब यहाँ माइनस का था दोनों तो साइन चेंज होके लास्ट यहाँ क्या आया था माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 49 बाय 3। अब हमने इसको साइन चेंज करा, अब हम ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब हम इसे प्लस करके यहाँ लिखेंगे तो 7x प्लस 49 बाय 3x, इसका एलसीएम लेंगे जैसे हम नॉर्मली लेते हैं तो ये क्या बन गया 70x अपॉन 3। अब हमारे पास क्या था 3x प्लस 7 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 3x, यहाँ तक हमारा आ चुका था। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नेक्स्ट नंबर ऐसा चाहिए कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में ऐसी टर्म चाहिए जिसको मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए 70/3x आ जाए। तो मेरे को इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 3x को डिवाइड करेंगे 3x से तो ये 70x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3x, x से x कैंसिल आउट तो ये क्या बन गया 70 अपॉन 9। तो मैं यहाँ क्या लिख देंगे हम प्लस 70 अपॉन 9। अब मैं 70 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3x करूँगी तो क्या आ जाएगा 70/3x। अब 7 इससे मल्टीप्लाई होएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 × 70 490 अपॉन में 9। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर कोई टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं है x की पावर 0 की, तो कुछ नहीं होता, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये साइन चेंज कैंसिल आउट तो अब ये क्या बचा माइनस 490 अपॉन में 9। तो अब ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। आपको क्या करना है, आप जब तक इसको ऐसे ही सॉल्व करते हुए चलेंगे जब तक आपके पास जो रिमाइंडर है या तो वो कांस्टेंट टर्म ना आ जाए या ज़ीरो ना आ जाए। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ चुकी है, मतलब या तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपको डिवीज़र में आपका सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला है उससे छोटा आना चाहिए। जब तक सेम डिग्री का चल रहा है तब तक आप इसे सॉल्व करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया था 70/3x आ गया था, हमने उसके बाद भी इसको सॉल्व करा। क्यों, क्योंकि डिवीज़र की फर्स्ट टर्म की डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री x बाय एक्स की पावर 1 है, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व करा। अब ये जो आ गया यहाँ पर x की पावर 0 है तो ये इससे 3x से डिग्री छोटी है, तो अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं यही सेम क्वेश्चंस बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम एक तरीके से शॉर्टकट मेथड भी है इसी को सॉल्व करने का, डिवीज़न को करने का शॉर्टकट मेथड है फैक्टर थ्योरम। थ्योरम कहती है कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि पी एक्स, आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो जो हमारा डिविडेंड होता है कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, और आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है जी एक्स, मतलब जो आपका डिवीज़र है जिससे आप डिवाइड करेंगे। अब आपको क्या है कि जो ज़्यादातर डिवीज़र होता है वो आपको किस फॉर्म में गिवन होता है, x माइनस a या x प्लस a की फॉर्म में गिवन होता है। वहाँ पर a कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, 1, 2, 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 कोई भी फॉर्म हो सकती है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपको डिवीज़र दिया गया है आप उसको जीरो के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे x माइनस a है तो आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ गया हमारा x की पावर x की वैल्यू
ए आ गया। तो अब जो ये x की वैल्यू आई है आप इसको डिविडेंड में पुट कर दीजिए, जैसे कि मैंने हमने पीछे क्वेश्चन किया था 3x³ + 4x² + 2x + 1। अब हम इसी को लेते हैं 3x³ + 4x² + 2x + 1 / x + 1। अब ये हमारा यहाँ पर ये डिविडेंड है और ये डिवीज़र है। अब हम इसे क्या करेंगे, जो डिवीज़र है उसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, x + 1 = 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब -1 को आप इसमें पुट कर दीजिए, -1 को इसमें पुट करने के बाद जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या होगा, वो आपका रिमाइंडर होगा। फैक्टर थ्योरम का एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि आप इस थ्योरम से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, आपको इस थ्योरम की हेल्प से ये नहीं पता चलेगा कि कोशेंट क्या है। अगर आपको डायरेक्ट रिमाइंडर पूछा है या बस ये बोला है कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, बस येस और नो में आंसर बताएं, तो आप इस थ्योरम को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए शॉर्टकट मेथड है, अगर आपको सिर्फ बोला हो कि रिमाइंडर फाइंड करिए तो आप इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोशेंट की भी नीड है तो इस थ्योरम को आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको लॉन्ग डिविज़न मेथड को ही यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको इसमें पुट करके बता देती हूँ कि अब हम इसके अंदर x की जगह पर -1 पुट करते हैं, हमारे पास थ्योरम पॉलीनोमियल क्या है, 3x³ + 4x² + 2x + 1। अब हम इसकी जगह, अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर -1 पुट करते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करेंगे, तो 3 × (-1³) + 4 × (-1² + 2 × (-1+1) -1³ - 1 तो 3 × (-1) + (-1² = 1 तो 4 + 2 × (-1+1) तो -3 + 4 - 2+1। तो हम माइनस वालों को साथ में प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस वालों को साथ में, तो -3 - 2 - 5 + 4 + 1 + 5, तो आप देखें कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आया, 0। 0 क्या है, हमारा रिमाइंडर। आप देख सकते हैं जो पीछे जो हमने ये सेम क्वेश्चन किया था, जब भी हमारा रिमाइंडर क्या आया था, 0। मतलब दोनों तरीके ही बिल्कुल करेक्ट हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है अगर आपको कोशेंट की नीड है तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ करें, अगर आपको कोशेंट की नीड नहीं है, कोशेंट नहीं बोला क्वेश्चन में, तो आप फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए ये शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसमें क्या करना है, जो आपको डिवीज़र दिया गया है आप उसको 0 के इक्वल रखिए, x की वैल्यू फाइंड करिए और फिर उस x की वैल्यू को डिविडेंड में पुट कर दीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन हम और करते हैं, जो हमने पीछे सेकंड क्वेश्चन लिया था, x³ + 3x² + 3x + 1 / 5 + 2x, कि इन दोनों को ये चेक करिए कि डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो क्या करेंगे हम इसमें, 5 + 2x = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/2। अब जहाँ जहाँ x है डिविडेंड में हम वहाँ क्या पुट करेंगे, -5/2 पुट करेंगे, तो x की जगह -5/2² + 3 - 5/2² + 3 - 5/2 + 1, तो -5/2 = -125/8 + 3 = 25/4 + 5 = 15/2 + 1। तो ये क्या बन गया, -125/8 + 25 = 75/4 - 15/2 + 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसको एलसीएम करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। फैक्टर थ्योरम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए आंसर अपना चेक नहीं कर सकते कि जो हमने करा है वो सही है या गलत, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमें क्वेश्चन की नीड होती है, और ये हमें रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन की नीड होती है, और फैक्टर थ्योरम से हमें क्वेश्चन नहीं मिलता, सिर्फ रिमाइंडर मिलता है। तो आप फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए आप चेक नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, अगर आपको क्वेश्चन और तरीके से भी दिया जा सकता है, आपको सिर्फ डायरेक्टली ये नहीं लिखाएगा कि डिवाइड, कि आप सीधा डिवाइड करिए और बताइए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चेक करिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, कि चेक वेदर 5 + 2x इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 3x + 1, या फिर मल्टीपल की फॉर्म में भी आ सकता है कि इज़ x³ + 3x² + 3x + 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ
फाइव प्लस टू एक्स। जब भी आपसे मल्टीपल या फैक्टर पूछे, मतलब एक दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और ये पूछा है कि वो इसका फैक्टर या मल्टीपल है या नहीं, तो आपको डिवाइड ही करना है। आप डिवाइड दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये बोला है कि चेक करिए फैक्टर है या नहीं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पुट करने पर रिमाइंडर आपका जीरो आ रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है मींस फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा देन फैक्टर नहीं है। क्योंकि फैक्टर क्या होता है, जो उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। और कम्प्लीटली डिवाइड कब होगा, जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया मतलब ये कम्प्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो इसी टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा मोल्ड करके आ जाते हैं। आपके एनसीईआरटीज की बुक में भी दिया गया है कि बोला हुआ है इफ़ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के देन फाइंड के। इसमें बोला है कि x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का फैक्टर है, तो k की वैल्यू क्या है। मतलब इसमें पहले से बोल दिया कि वो उसका फैक्टर है, मतलब आपको यहाँ डिवाइड करके नहीं बताना कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। इन्होंने पहले से गिवन है कि x माइनस वन उसका फैक्टर है, मतलब x माइनस वन अगर उसका फैक्टर है, मतलब कि जब हमने इसकी वैल्यू इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करी होगी, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया होगा, रिमाइंडर हमारा जीरो आया होगा। तो हम x माइनस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, हमारी x की वैल्यू वन आई। अब वन को इसमें पुट करने पर हमें क्या मिल रहा होगा, रिमाइंडर जीरो मिल रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि वो उसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगा। अब मैं इसमें वन पुट करती हूँ, तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इजिकल टू जीरो। अब इजिकल टू जीरो क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जीरो ही देगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। अब वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस के इजिकल टू जीरो, तो टू प्लस के इजिकल टू जीरो, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस टू। मतलब जब के की वैल्यू माइनस टू है, तो एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, एक्स माइनस वन इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आप k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जब आपको पहले से ही बोला गया हो कि वो उसका फैक्टर है या वो उसका मल्टीपल है, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो ही आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप, दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक फैक्टर थ्योरम, दोनों का यूज़ करते हुए डिवाइड की क्वेश्चन आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड की क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। और अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू उसे चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने करा वो आपका सही है या गलत। तो आज के लिए यहीं तक। अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं channelstudy27@gmail.com पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।